हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ कविता जिंदौरी जायका में। आज मैं बना रही हूँ मेथी दाने की सब्जी। देखिए, मेथी दाने ऐसे होते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधी कटोरी मेथी दाने, एक प्याज, दो हरी मिर्च, इन्हें मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, एक नींबू, एक पिंच हींग, एक चम्मच शक्कर, तड़का लगाने के लिए 2 चम्मच तेल, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा, नमक। मेथी दाने जिन्हें मैंने रात को पानी में 5 से 6 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था और ये इस तरह से हो गए हैं। सब्जी बनाने से पहले हम मेथी दाने से पानी निकाल देंगे। गर्म पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पर हींग डालेंगे, आधा चम्मच जीरा, हरी मिर्च, इसे हम तेल में मिक्स कर लेंगे, साथ ही प्याज डाल लेंगे। प्याज को हम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। प्याज भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। इन सभी मसालों को हम मिक्स करने के बाद आधा मिनट तक भूनेंगे। मसाले भुन चुके हैं। अब हम इसमें मेथी दाने डाल लेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आधा चम्मच नमक डालेंगे। इसमें मैं हल्का सा पानी छीट रही हूँ। पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए, इस तरह से हल्का सा पानी छीटना है सिर्फ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे ढककर लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकने देंगे। सब्जी को बीच में हम 1 से 2 बार चलाएंगे और फिर से ढक देंगे। पांच मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शक्कर डाल लेंगे। शक्कर मैंने 1 चम्मच ली है और साथ ही नींबू का रस डालेंगे। इसे मिक्स कर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। सब्जी बनकर तैयार है। आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और भी इस तरह की रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।